जय हिंद दोस्तों, टीम एनिमल बर्ड वेलफेयर सिरसा हरियाणा से। दोस्तों सोचो आपकी आपकी बॉडी पर कहीं जख्म हो और उस जख्म में आपके सैकड़ों हजारों कीड़े हों जो कि दिन रात उस जख्म को अंदर से खा रहे हों। सोचो वो दर्द कितना ज़्यादा असहनीय होगा जिसे ये बच्चे दिन रात सहन करते हैं। और एक बात और बताऊं, इनको कोई अपने घर नहीं रुकने देता, कोई अपने घर नहीं जाने देता। हम जैसे रेस्क्यू करने जाते हैं ना, लोग बताऊं क्या बोलते हैं, भैया इसको ना ले जो बहुत स्मेल कर रहा है। तो भैया हमारे को भी आ रही है स्मेल। हमारा कोई ये बिजनेस नहीं है कि हम इससे पैसा कमा रहे हैं। वो हमारे को दुख होता है कि भाई इनका अगर हम इनके दर्द को थोड़ा बहुत बांट सकें, थोड़ा बहुत कम कर सकें ना, तो हमारा जो मानव जाति में जन्म लेने का हमारा जो मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा अगर हम किसी एक की भी जान बचा जाते हैं। और ये आपको भी पता है कि अगर एक जीव हमने बचा लिया ना तो हमारा जन्म लेने का, हमारा इंसान होने का जो मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये जो जख्म है, अगर इस बच्ची को हम ना लाते, अभी इसके ना कंटिन्यू मैगट्स निकल रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा अभी वीडियो में आगे, इतने निकलते रहने दो। तो अगर ये देखो बिल्कुल इसका मुंह बांधा नहीं हुआ, अगर आप देख सकते हो ये स्ट्रे फीमेल है, कोई हमारे घर की पेट फीमेल नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रे फीमेल है। इसको हमने दो आई थिंक तीन दिन पहले रेस्क्यू किए। 3 दिन से इसके इतने ही मैगट्स, मतलब पहले दिन आई थिंक 4-5 हजार से ज्यादा निकले, पहले दिन 4-5 हजार, कल फिर हमने इसके वुंड को क्लीन किया अच्छे से, फिर जैसे अंदर की और सफाई हुई वहां पर इसके 2-3 हजार कीड़े निकले, और आज भी हजारों की गिनती में इसके मैगेट्स अभी तक बाहर आ रहे हैं। और कमाल की बात है जब हमने इसमें मेडिसिन लगाई ना, और सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ जो मेडिसिन सबसे बेस्ट रहती है, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मुझे अकेले को इनकी सेवा करते हो गए हैं तकरीबन 18 साल और हमारी एनजीओ को रजिस्टर हुए हो गए 4 साल। और सबसे बेस्ट है दोस्तों ये आइवरमेक्टिन जो आपको मिले इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन ले लीजिए, आपने लगाना नहीं है क्योंकि लगाने की हमारे पास में ना तो परमिशन है और ना ही हमने इसका कोई कोर्स किया हुआ है। अगर आपके पास में वेट है और उससे आप वेट ही बताएंगे कि बॉडी वेट के हिसाब से किसको कितनी डोज लगनी चाहिए, तो वेट हैं जो वो इनके स्किन कट आइवरमेक्टिन लगा सकते हैं जो कि इनके मैगेट्स को मारने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज अगर आपके आसपास अगर आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं और जो फ्रेंडली होते हैं, मोस्टली क्या होता है ना मैगेट्स वाले केस ना हाथ नहीं आते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं, तो उस केस में अगर आपके पास में कोई फीमेल रहती है, पास में कोई मेल रहता है, पास में कोई बच्चे हैं जैसे डॉग्स के, और उनके अगर मैगेट्स पड़ जाते हैं ना, तो सबसे बेस्ट है आप ना आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन ले आइए। अगर आप एनिमल लवर हैं, फीडर हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा आप 100 ml की वायल लीजिए। 100 ml आपको आई थिंक 80-100 rupees का मिल जाता है। ये हम लेके आते हैं जैसे 100 rupees का हमें मिलता है ये, तो अगर आपको क्या पता सस्ता मिल जाए या इससे महंगा मिल जाए, अप्रोक्स यही है कि 100 rupees के आसपास आपको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन मिल जाता है, जो वायल मिल जाती है इसकी। तो उसके बाद उस आपने क्या करना है, आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन को भरना है। और एक बात और बताता हूँ, ये ना ऑयल टाइप इंजेक्शन होते हैं, जैसे कई एंटीबायोटिक होते हैं, मेलोनेक्स हो गया है या और वो क्या होती है मेडिसिन, जैसे ट्राइविवेट होता है जो कि मल्टीविटामिन के काम आते हैं, वो जो दवाई होती है ना वो होती है बहुत ही मतलब लिक्विड टाइप में, ये होता है ऑयल फॉर्म में, ये पतली नीडल से नहीं आएगा। तो इसके लिए आप ना मोटी नीडल लीजिए, जख्म के ऊपर डालिए, थोड़ी देर वेट करिए और इस तरह के प्लकर से उन मैगट्स को निकाल दीजिए। और अगर आप 2-3 दिन ऐसे क्लीन करोगे और साथ में एंटीबायोटिक दोगे ना, तो सभी मैगट्स बाहर आ जाएंगे और वुंड है वो क्लीन होने लग जाएगा। अभी देखो इसमें मेरे को दिख रहे हैं अंदर, हमने तकरीबन 10 ml आइवरमेक्टिन इसमें फिल कर दिया है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि और कर रहा हूँ, क्योंकि ना जो हमने लगाया है आइवरमेक्टिन उसका थोड़ा असर है, वुंड में जो घूम रहे हैं वो मेरे को नज़र आ रहे हैं, तो
तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा मोटी नीडल है, इसको आपने लगाना नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि डॉक्टर नहीं है और हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। ये बहुत मोटी नीडल है दोस्तों, ये स्पेशली क्या होता है, जैसे लार्ज एनिमल होते हैं ना, ये उनके काम आती है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है। लेकिन डॉग्स की स्किन बहुत पतली होती है, तो उनमें हमें इस नीडल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नीडल यूज़ करनी है सिर्फ इसके जख्म के ऊपर। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये नीडल है, ये देखो ऑयल फॉर्म है, इसीलिए इतनी जल्दी आ रहा है। अगर नीडल ये पतली होती तो इसने बिल्कुल भी नहीं आना था। जोर लगाते रहो, खींचते रहो, नहीं आएगा। अभी देखो ये धीरे धीरे निकल रहे हैं इसमें से। रमन आगे करके दिखाई, मैं कहती हूँ ये देखो, अगर सोचो ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, आज तो अभी निकल रहे हैं इसके। ये तो बहुत कम क्वांटिटी है, कटोरे भर भर के इसके मैगट्स निकले हैं। और ये फीमेल मान लीजिए आप हफ्ता 10 दिन लेगी सही होने में, हफ्ता 10 दिन में ये फीमेल बिल्कुल सही हो जाएगी। अभी जो इसके जो मेरे को नए होल दिख रहे हैं ना, जहाँ से एक्चुअली क्या होता है ना, बालों में हमें होल पता नहीं लगते हैं, और जब मैगट्स निकलते हैं ना उन होल से, फिर पता लगता है कि यहाँ पर भी होल है और यहाँ पर भी मैगट्स बैठे हैं अपनी कॉलोनी बसा के। तो उनकी कॉलोनी उजाड़ता हूँ अभी मैं, जहाँ जहाँ से मैगट्स बाहर आ रहे हैं ना। खाली खर जा बच्चे, अभी यहाँ पर हैं ये देखो, अभी मेडिसिन डालिए, निकलने शुरू हो गए हैं दोबारा से। अभी जैसे जैसे ये दवाई डलेगी ना अंदर, वैसे वैसे ये बाहर आना शुरू होंगे। अभी डल गई है, तो इसके बाद आपने बस 1 मिनट वेट करना है। 1 मिनट में आपको फिर दोबारा दिखा देते हैं बाहर निकलते हुए। और अगर इनके मैगट्स नहीं हैं तो समझ लो कि इनका वॉन्ड क्लीन हो गया और ये हील होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। और इसकी हालात देख रही है आप, ये देखो इसके हालात, ये इसके रिब्स दिख रहे हैं, हड्डियां नज़र आ रही हैं। ये देखो ये हड्डियां कैसे नज़र आ रही हैं, जब इसके कीड़े पड़ गए। पहले तो जख्म हो गया, उसको किसी ने ट्रीटमेंट नहीं दिया होगा, फिर जब इसके मैगट्स पड़ गए, ये तो स्मेल कर रही है, और इसके तो मारो भाई, वाइपर मारो, डंडा मारो, पत्थर मारो, जो आपके सीध में आ रहे मारो और इसको भगा दो। हाँ, मरना है कहीं और जाके मरे, हमारे घर के आसपास ना मरे, ना हमारी कॉलोनी में मरे। तो भैया अगर इतना ही आपको इसकी स्मेल से दिक्कत है, तो जब ये इतनी शरीफ है, देखो हम तो इसको कुछ भी नहीं लगते, जो गली में रहते होंगे उनके तो ये पास ही जाती होगी, तो वो बंदे अगर इसके छोटे से जख्म पे मेडिसिन लगा देते हैं ना, बीटाडीन लगा देते स्टार्टिंग में, तो इसका वुंड है वो क्लीन हो जाता और इसकी ये हालात ना होती। अभी हमें आई थिंक इस केस पर 20 मिनट्स और लगेंगे अगर इसको क्लीन करना है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी इस बच्ची के लिए, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आप फर्स्ट एड में क्या कर सकते हैं और किस तरह से इन बच्चों को मैगट्स से बचा सकते हैं। अभी हमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हम ना मैगट्स के वेट कर रहे हैं बाहर निकलने का। इसमें बहुत आ रहे हैं अभी, उनके सिर्फ मुंह नज़र आ रहे हैं, वो जैसे अभी धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं ना, मैं तभी प्लकर से पकड़ के अलग इनको डाला। ये देखो यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, यहाँ, ये सारे में ही मैगट्स हैं। अभी ये निकलेंगे धीरे धीरे करके और हम पकड़ पकड़ के इनको इधर घेरते रहेंगे। देखो ये आ गया ना, इसको यहाँ, अब सोचो ये जख्म को खा रहे हैं दिन रात, और कितना बड़ा होल कर देंगे। उसके बाद बस ये खाना पीना छोड़ देगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो अगर आपको इन जैसे बच्चों की सेवा करनी है, बचाना है, तो सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो यही है। टीम एनिमल बर्ड्स वेलफेयर को सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट से ही हम इन बेसहारा बेजुबान बच्चों का जो इलाज है वो करवा रहे हैं। तो बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे रेस्क्यू अच्छे लगते हैं। जय हिंद।